हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एच फॉर हॉरर चैनल पर हम आपके लिए डरावनी घटनाएं से जुड़ी कहानियां लाते हैं। कुछ कहानियां हमारे द्वारा लिखी गई होती हैं और कुछ कहानियां किसी के साथ घटी सत्य घटनाओं पर आधारित होती हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहित है। मैं आज एक 7 स्टार होटल में काम करता हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। होटल की जॉब की वजह से मुझे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में रहना पड़ता है। जब मैं होटल मैनेजमेंट में के कोर्स में था, तब हमारी ट्रेनिंग के टाइम पर भी मैं मुंबई के एक 5 स्टार होटल में गया हुआ था। तब वहाँ कई बार मैंने बहुत से साथ में ट्रेनिंग करने वाले और जॉब एम्प्लॉयज़ के मुँह से होटल में कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में सुनता था। पैरानॉर्मल का मतलब है डरावनी और अजीब घटनाएं जिनका कोई जवाब नहीं होता है। कभी कोई किसी को दिखता, कभी कोई ऐसा फील करता जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। ऐसे ही अलग अलग और अजीब चीज़ें मैं हमेशा सोचता था, या तो ये मजाक कर रहे हैं या मेरी रात की शिफ्ट है इसलिए मुझे डरा रहे हैं। पर मुझे कभी भी वहाँ कुछ नहीं दिखा और ना ही कुछ महसूस हुआ। ट्रेनिंग और कोर्स के ख़त्म होने के बाद मेरी जॉब गोवा के एक होटल में लग गई। गोवा जैसे स्टेट जहाँ सब घूमने आते थे, मुझे वहाँ जाना था। ये होटल बहुत ही बड़ा था। इनकी प्रॉपर्टी में होटल और रिसॉर्ट सब आते थे। तो मेरी जॉब लगते ही जितनी जल्दी हो सका मैं गोवा के लिए निकल गया। इस होटल में काम करते करते लगभग मुझे 1 साल हो गया था। होटल बहुत अच्छा था और होटल के एम्प्लॉयज़ भी बहुत अच्छे थे। कुछ तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे। और होटल की बात करें तो होटल के अंदर ही उसकी रिजॉर्ट की प्रॉपर्टी भी थी, इस वजह से होटल बहुत बड़ा हो गया था। इतने बड़े एरिया में था कि कई बार हम कोई चीज़ पहली बार ही देखते थे, जैसे कि कोई एरिया हो जो हमने 1 साल के अंदर देखा ही नहीं, क्योंकि हम अपने फिक्स एरिया में पूरे दिन काम करते थे और घर चले जाते थे। कभी कभार ही ऐसा होता था कि कस्टमर के बुलाने पर या किसी और की जगह पर उसके एरिया में काम करने की वजह से हमें नई चीज़ें देखने को मिलती थी। ऐसे ही एक दिन मेरे एक दोस्त की जगह पर मैं हाउसकीपिंग के काम के लिए रूम और एरिया बता रहा था, तभी मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक रूम था जिसका नंबर था 206। मुझे इस रूम को देखकर बड़ा ही शॉक लगा, क्योंकि जिस एरिया में ये रूम था वहां पर इस रूम का होना बनता ही नहीं था, क्योंकि यहां पर कॉटेज टाइप के रूम थे और इन कॉटेज टाइप के रूम्स में ऐसे सिंपल रूम का जो कि होटल के अंदर होते हैं, जो कि बड़ा अजीब था। मैंने वापस जाकर अपने दोस्त से कहा, वहाँ कॉटेज के बीच में मैंने एक रूम देखा है। उसने कहा, तुम पागल हो क्या, कॉटेज के बीच में कौन रूम बनाता है। हो सकता है तुम किसी और एरिया में चले गए होगे और कंफ्यूज हो गए होगे। मुझे लगा कि हाँ, शायद मेरा दोस्त सही कह रहा है। पर मैंने कुछ दिनों तक उस रूम को वहीं देखा। मैंने अपने और साथ काम करने वालों से भी सेम बात कही। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, कुछ दिन की छुट्टी ले लो, आराम करो, शायद तुम थकान की वजह से हेलुसिनेट कर रहे हो। मैंने कुछ दिन की छुट्टी ली और जब छुट्टी के बाद मैं होटल आया तो मैंने रिसेप्शन वाले एरिया में काम करना शुरू किया। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि रूम नंबर 206 के नाम से कोई भी चाबी नहीं है। ऐसा नहीं था कि किसी ने उसे बुक नहीं किया था, मेन बात ये थी कि उस नंबर से कोई भी रूम हमारे होटल में था ही नहीं। पर जब भी मैं उस जगह पर जाता तो वो रूम मुझे वहाँ पर दिखाई देता था। अब मैं उस रूम को रोज़ देखने जाने लगा। मुझे उस रूम में देखना था कि अंदर क्या है। एक दिन मैंने देखा कि उस रूम की लाइट्स ऑन है। मैंने सोचा अंदर कोई स्टाफ गया होगा तो मैं भी अंदर जाकर देख सकता हूँ। मैंने जैसे ही रूम के गेट को हाथ लगाया तो गेट खुल गया। मैं रूम के अंदर घुस गया, पर रूम में सब जगह देखने के बाद मुझे रूम में कोई भी नहीं मिला। मैंने ध्यान दिया तो अब वो रूम मुझे एक छोटे घर जैसा दिख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई फैमिली वहाँ रह रही हो। वहाँ फैमिली फ़ोटोज़ थी,
घर का सारा सामान था, बेड, किचन, बर्तन, कपड़े, खाना सब था, जैसे यहाँ फैमिली रहती हो। तभी गेट खुलने की आवाज़ आई। मैं डर गया कि जो यहाँ रहते होंगे शायद वो आ गए हैं। मैंने सोचा कि गेट के पास जाकर उन्हें सॉरी बोलकर चला जाऊंगा। मैंने देखा कि उसी टाइम एक लेडी घर में आई। मैं उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने लगा तो मैंने ध्यान दिया कि वो मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही हैं, जैसे कि मैं उनको दिख ही नहीं रहा होऊंगा। मैंने सोचा वो मुझसे डर गई इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। मैं उनको समझाने के लिए जैसे ही पास गया तो वो सडनली मुड़ी और अब वो मुझसे आर पार चली गई। मुझे कुछ देर के लिए समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। अब मैं थोड़ा डर गया और अजीब फील कर रहा था। मुझे लगा मैं नींद से उठूंगा तो ये सपना टूट जाएगा, पर जब मैं नींद से उठा तो मैंने देखा कि अब भी मैं उसी घर में हूँ। मैंने उस घर से बाहर जाने के लिए सोचा, लेकिन जैसे ही मैं गेट की तरफ मुड़ा तो वहाँ पर मेन डोर ही नहीं था। मैं शॉक रह गया। मैं सब जगह देखने लगा पर सारे दरवाजे घर में ही खुलते थे। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा करते करते मुझे घर में दोपहर हो गई। तभी मैंने गेट के नॉक होने की आवाज़ सुनी और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह गेट वहीं था। उस लेडी ने गेट खोला तो उस लेडी के बच्चे घर आए थे। वो स्कूल से आकर अपना बैग रखकर कपड़े बदल कर खाना खाया और थोड़ा खेले कूदे और आराम किया। अब मैं ये तो समझ गया था कि ये लोग इंसान नहीं हैं या फिर मैं कोई अजीब ही जगह पर हूँ जिसमें कि मैं उन्हें देख पा रहा हूँ पर वो मुझे नहीं देख पा रहे। मैं ये भी समझ गया कि ये दरवाज़ा तभी दिखता है जब कोई इस घर का मेंबर इस घर में आता है। अब मैंने सोच लिया था कि इस बार कोई भी घर में आएगा तो मैं दौड़ता हुआ इस घर से बाहर निकल जाऊँगा। अब रात के 8 बज चुके थे। गेट पे नॉक हुआ। गेट खुला तो मैंने देखा उस फैमिली के फादर आए हुए थे। मैं बाहर की तरफ दौड़ा पर मैं बाहर नहीं निकल सका। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब मैं अंदर आया तो ये गेट अपने आप ही मेरे लिए खुल गया, लेकिन बाहर जाने पर मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। और वो फैमिली वैसे ही अपना रूटीन करके सोने चले गए। मैं भी बैठे बैठे कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने रात को कुछ आवाज़ सुनी तो भी मैंने देखा कि कोई घर में घुस गया है। देखने पर पता चला कि 2 चोर थे। मैंने फैमिली को उठाने की कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन चोरों को रोकने की भी कोशिश की पर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी उस फैमिली में जो फादर थे उनकी नींद खुली और चोरों और उनके बीच हाथापाई होने लगी। अब सारी फैमिली जाग चुकी थी और वो सब मिलकर चोरों से लड़ रहे थे और बचने की कोशिश भी कर रहे थे। मैं भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैंने देखा कि वो चोर उस फैमिली पर हावी हो गए और उन्हें मारने लगे। मैं बहुत डर गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और वो चोर मेरे देखते ही देखते घर को ऐसा कर गए जैसे कि उसमें कोई आया ही ना हो और वहाँ से चले गए। रात भर मैंने कैसे काटी मुझे ही पता था। जैसे तैसे रात कटी। अब सुबह हो चली थी। मैं फिर रूम ढूंढने में लग गया। तभी मैंने देखा कि वो मेन डोर फिर से दिखाई दे रहा है। उस पर किसी ने नॉक नहीं किया था, पर जैसे ही मैंने उस रूम के गेट को हाथ लगाया तो मैं उसे पकड़ सका। मैंने फटाक से रूम का गेट ओपन किया और मैं बाहर आ गया। तभी मैंने देखा कि वो लेडी सेम कपड़ों में सेम सामान लिए घर में घुसी और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने के कुछ सेकंड बाद ही गेट वहाँ से गायब हो गया। ये देखकर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को होटल लॉबी में पाया और सभी ने मुझे घेरे हुआ था। सब मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ है क्या हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा मैं कितने दिनों से गायब हूँ। उन्होंने कहा दिनों से नहीं, तुम तो कुछ 2 घंटों से किसी को नहीं दिखे इसीलिए सब तुम्हें ढूंढने लगे। ये सब सुनकर मुझे लगा कि शायद मेरे बेहोश होने की वजह से मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा होगा या फिर मुझे कोई सपना आया होगा। लेकिन तभी घड़ी में 2 बजे और मुझे फिर से
उस डोर के नॉक होने की आवाज़ और बच्चों के हंसने की आवाज़ आई। मैंने चारों तरफ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अब कुछ दिन निकल गए। एक दिन बैठे बैठे मैं यूट्यूब चला रहा था, तभी मेरे यूट्यूब पर एक वीडियो पॉप आउट हुआ जिसमें इंडिया में हुए ऐसे मर्डर केसेस के बारे में था जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। मैंने वो वीडियो देखी तो एक दो केसेस के बाद वो केस सामने आया जिसमें कि वही सेम फैमिली थी और उनके मर्डर केस की बात चल रही थी। पुलिस वालों ने कहा कि हमने सब तरीके से चेक किया लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला। हमें इतना तो पता है कि ये सब कुछ एक इंसान का काम नहीं है और हमने चोरों के एंगल से भी सब कुछ जांचने की कोशिश की लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। ये केस अर्ली 90s का था जिस वजह से बहुत कुछ उन्हें नहीं मिला और उनका मानना था कि इस घर में कोई तो एक बंदा था जो और भी था लेकिन वो इस फैमिली का मेंबर नहीं था और कोई नहीं जानता कि वो इंसान कहाँ गया। और वो इंसान कोई नहीं, मैं ही था, क्योंकि जिस सबूत की वो बात कर रहे थे वो सबूत वो सोफ़ा था जहाँ पर मैं पूरी रात बैठा हुआ था। पूरी रात बैठने की वजह से वहाँ वो कुशन पिचक चुका था। लेकिन ये सब देखकर अब मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा था। मैं समझ गया था कि वो फैमिली एक अपने ही घटना के लूप में फंस चुकी है जिससे वो बाहर नहीं आ पाई है क्योंकि उन्हें कोई जस्टिस नहीं मिला। और ये घटना उस लेडी के घर में 12 बजे घुसने के साथ ही शुरू होती है और उस दिन शायद मैं ठीक उसी समय उस घर के पास खड़ा था और तभी मुझे वो गेट खुला मिला। और घटना के हिसाब से उनमें से कोई भी उस घर से बाहर नहीं जा सका, इसीलिए वो घर का दरवाज़ा हमेशा गायब हो जाता था जैसे कि वो वहाँ है ही नहीं, ताकि कोई बाहर ही ना निकल सके। अगले दिन फिर वो घटना 12 बजे से जब री स्टार्ट हुई तो उसी टाइम मैंने उस घर का गेट खोला और मैं वहाँ से बाहर निकल सका। थैंक यू दोस्तों। अगर आप और भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर प्रेस कीजिए और इस चैनल से जुड़ी और भी कहानियों को सुनिए और लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।